मथुरा जनपद के वृंदावन क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां दबंग कुछ लोगों को हथियारों के बल पर डरा धमका कर उनकी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। वहीं जब पीड़ित न्याय के लिए पुलिस की शरण में पहुंचे तो वहां पर भी पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। दरअसल वृंदावन में हेलीपैड के नज़दीक सीआरपी कैंप के पास अली हुसैन, स्वामी रघुनंदन, नेत्रपाल, इकबाल, लखनलाल इन पांच लोगों की करीब 3200 वर्ग गज बेसकीमती जमीन है, जिस पर दबंग महेश बघेल, हेमू महाराज, श्याम सुंदर बघेल आदि अपने साथियों के साथ मिलकर हथियारों के बल पर दबंगई से अवैध रूप से कब्जा किए जाने का पीड़ितों ने आरोप लगाया है। वहीं जब पीड़ित इसका विरोध कर रहे हैं तो उनका कहना है कि दबंग पीड़ितों के साथ मारपीट करने से भी पीछे नहीं हट रहे। बीते दिन जब पीड़ित अपनी जमीन पर पहुंचे तो दबंगों ने पीड़ितों के साथ जबरदस्त मारपीट की। वहीं जब पीड़ितों ने पुलिस की शरण में न्याय के लिए गुहार लगाई तो वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके चलते उनका कहना है कि थक हार कर पीड़ितों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शरण दी है और उनका दरवाज़ा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों की बात सुनकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने पूरे मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। मेरी जमीन पर साहब अवैध कब्जा किया जा रहा है साहब। मेरी वृंदावन राजपुर गांव के अंदर हेलीपैड के सामने जमीन है और मेरी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? कब्जा करने वाले महेश बघेल बाबा हैं और राधेश्याम बंसल है। ये लोग मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं साहब। किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं? हथियार लेके आते हैं और हम मारने के लिए अरवा पड़ते हैं साहब। भगा दिया मुझको वहाँ से, धमकी दे करके, नहीं तुम मुसलमान है, तुम यहाँ पर जमीन नहीं है, तुम यहाँ से नहीं, यहाँ पर नहीं किया, कुछ नहीं है। कितने लोगों की जमीन है और कितनी जमीन है? हमारे पूरे परिवार की जमीन थी साहब। कितनी जमीन है? परिवार की तो ज़्यादा है, मेरी तो 3200 का जगह है। कितने लोग शामिल हैं? चार पाँच लोग शामिल हैं। तो किसी को नहीं टिकने दे रहे? नहीं जी सर, किसी को नहीं टिकने दे रहे हैं। साहब हमको धमकी देते हैं साहब मारने की साहब, हमारी जमीन पर हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस से शिकायत किया? की साहब, हमारी कोई शिकायत नहीं सुनी। मैं मामला ये लेके आया था कि हमारी जमीन पर कुछ गुंडों और कुछ भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। कौन लोग कर रहे हैं ये कब्जा करने वालों में? महेश बघेल है, श्याम सुंदर बंसल है, हेमू महाराज हैं, इनके अन्य साथी हैं। किस तरीके से कब्जा? ये गुंडे के बल पे क्या कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती, और जब हम विरोध करते हैं तो वो जान से मारने की धमकी देते हैं, असलाहों को निकाल लाते हैं और गुंडों को हमारे पीछे लगा देते हैं। इन लोगों ने हमारा जीना आराम कर रखा है। कितनी जमीन है आप लोग? ये जमीन 3200 वर्ग गज है। कितने साझेदार हैं इसमें? चार पाँच साझेदार हैं। सभी को परेशान कर रहे हैं? सभी को परेशान कर रहे हैं, कोई जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। वो इस तरह की दहशत फैला रखी है। काफी दबंग लोग हैं। पुलिस कुछ कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस के पास कई बार फरियाद लेके गए थे कि काम को रुकवाइए साहब, ये हमारा इस तरह का मामला, ये खतरा खतौनी नहीं, हमारा नाम है ये 500। हाँ, और क्या है कि ये मतलब ये जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, आप रुकवाइए। तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। घटना भी कर सकते हैं आप लोग? कुछ भी कर सकते हैं, ये जान से भी मरवा सकते हैं। तो क्या लगता है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? वो दबंगता है, वो क्या है कि पुलिस का क्या नजरिया है ये मुझे नहीं मालूम, मगर जी अगर हमारी किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।